साल 2069, हाँ ये वही साल है जब साइंटिस्ट मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए थे और उन्हें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी मिल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान को अपनी औकात से ज्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए, वरना उसके परिणाम बुरे से बुरे भी हो सकते हैं। और याद, पूरी की पूरी दुनिया ही खतरे में आ चुकी थी। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों ने देख लिया कि कैसे साइंटिस्टों की सेल्फिशनेस की वजह से यहाँ पे सभी के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे और अब साइंटिस्टों को यहाँ पे कोई भी आता पता ही नहीं था। तो बाकी बचे हुए लोगों की जिम्मेदारियां मैंने अपने सर पे ले लिया और डिसाइड करा कि इस प्रॉब्लम को मैं पूरे के पूरे जड़ से खत्म करूंगा। बाकी अगर तुम लोगों ने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज पहले जाकर वो देख लेना, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो अभी मुसीबत की जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे जाना था द सिटी में, जो कि यहाँ से वैसे ज्यादा दूर था नहीं, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था। पर मैं डर से हार मान के बैठने वाला तो था नहीं। तो यस, यही शुरू होता है इस कहानी का सेकंड अध्याय, या मैं बोलूं सेकंड पार्ट, द सिटी। तो लास्ट में अभी ब्लड मून शुरू हो गया था, जिसमें वैसे तो मैंने कुछ करा नहीं, मैं बस एक छत पे चढ़ के गोलंबिया को मारते हुए देख रहा था और बीच बीच में गोलंबिया को रिपेयर करने पे लगा था। और ब्लड मून खत्म होते ही अगले दिन मुझे निकलना था द सिटी की ओर, जिसका रास्ता मुझे इसी विलेज से मिलना था। तो मैं आसपास के विलेजर से ही पूछताछ करने लगा और ये बातें सुनकर यहाँ पे विलेजर थोड़ा सा अलग सा बिहेव कर रहे थे और प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन लोग को इसके बारे में कुछ आइडिया ही ना हो, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। बट थोड़ी देर बाद मैं भी कन्विंस हो गया शायद इन लोग को ना पता हो, पर जाना तो मुझे था ही। एंड उसके लिए मैं आसपास ही देखने लगा कि तब भी मुझे दिख जाती यहाँ पे एक उड़ने वाली शिप। और आसपास पता करने पे मुझे पता लगा कि ये शिप एक्चुअली यहाँ पे काफी टाइम से पड़ी हुई है एंड लोगों को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं कि आखिर ये है क्या, ये बस एक दिन आसमान से नीचे गिर गई थी। और इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक इमेज बनी कि शायद से जो द सिटी है वो एक्चुअली जमीन पे है ही नहीं, वो हवा में है। एंड इसलिए शायद से यहाँ पे ये अफवाह फैली हुई थी कि द सिटी में जाने का रास्ता इसी विलेज में है, क्योंकि जिसे भी ये चलाना आता होगा वही सिटी में जा सकता था। और ये काइंड यहाँ पे सेंस भी बना रहा था, क्योंकि अभी तक मैं जितना भी घूम चुका था यहाँ पे सिटी की किसी को भी नॉलेज नहीं थी। और शायद से ये रीजन था कि सिटी में तो वायरस बहुत तेजी से फैल गया बट विलेजर्स में अभी तक भी नहीं पहुंचा था। और इसी के साथ मैं बैठ गया ये उड़न खटोला में, जिसको उड़ाना एक्चुअली बहुत इजी था, बस मुझे इसमें जरूरत है फ्यूल की, जिसके लिए मेरे पास कोल था। और इसी के साथ मैं चल पड़ा द सिटी की ओर। और फिर थोड़े घूमते ही मैं एंटर हो गया द सिटी के एयरपोर्ट पे, और शायद यही से उड़न खटोला को नीचे फेंका गया था, क्योंकि अभी यहाँ पे सिटी काफी एडवांस हो चुकी थी तो उन्हें ओल्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने शायद से इसे फेंक दिया था। पर उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई। इसे मैं उड़ाना तो सीख लिया था लेकिन उतारना किसी ने नहीं बताया यार, हाथ धोती में कर। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे जिसके आवाज सुनकर यहाँ पे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ अलर्ट हो गए और सिटी के ज़ॉम्बीज़ एक्चुअली काफी इवॉल्व हो चुके थे एंड थोड़ी देर में ही उन्होंने मुझे पूरा का पूरा घेर लिया। पर मैंने भी जैसे तैसे चढ़ वड़ के उनको मारना चालू कर दिया और पूरी रात ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते फाइनली यहाँ पे सवेरा हो ही गया। और इसी के साथ ये था मेरा द सिटी में फर्स्ट डे। पर फिर जैसे तैसे ज़ॉम्बी से बच बच के चोरी चुपके यहाँ पे मैं रिसोर्सेज ही कलेक्ट करने लगा, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज कभी भी काम आ सकती थी, किसी को कुछ नहीं पता। और थोड़ा बहुत घूमने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने अपना प्लेन चेक करा एंड वो एक्चुअली फिर से उड़ने लगा, पता नहीं कैसे। पर खैर मेरे लिए तो सही था, ज़ॉम्बी से तो बचूंगा कुछ और देर। एंड फिर मैं और आगे चला गया एंड नेक्स्ट टाइम मैं पहुंचा एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग पे, जहां मुझे लगा मे भी मुझे कुछ अच्छा सामान मिल सकता है, लेकिन वहां मुझे मिले सिर्फ ज़ॉम्बीज। और इतने में यहाँ पे फिर से रात हो गई और ज़ॉम्बीज एक्टिव, बट लेकिन यहाँ पे मैं अपने उड़न खटोले में घूम रहा था तो मैं सेफ था, क्योंकि आसपास को देख के लग रहा था कि अगर मैं नीचे उतरा तो ये लोग डेफिनेटली मुझे ऊपर पहुंचा देंगे। और इतने में यहाँ पे मुझे एक सीक्रेट बेस टाइप कुछ दिखा, जो कि मुझे लगा शायद से यहाँ पे बचे कुछ ह्यूमंस ने बनाई हो और शायद मुझे वहां कोई मिल भी जाए, तो मैं चला गया उसे चेक करने। और इतने में यहाँ पे मेरी धनो भी नखरे करने लगी थी, शायद से क्रैश लैंडिंग से इंटरनली कुछ तो डैमेज हुआ था। पर जैसे जैसे इस बार अपने हेलीकॉप्टर को हेलीपैड में उतार के मैं चला गया उस जगह को एक्सप्लोर करने। और वही घूमते मैं पहुंचा एक टनल में, जहां जाते जाते मुझे लग रहा था कि मे बी मुझे यहाँ सर्वाइवर मिल सकते हैं और जल्दी मुझे वहां मिल भी गए ज़ॉम्बीज। अब यहाँ ज़ॉम्बीज का होना यानी कि सर्वाइवर तो क्या ही सर्वाइव कर पाते। लेकिन फिर मैं पहुंचा यहाँ के स्टोर में एंड मैं सोच रहा था कि चलो कोई नहीं, यहाँ पे सर्वाइवर्स तो नहीं मिले लेकिन उनका रिसोर्सेज मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। बट वहां मुझे मिला दूध और एक टोटम यानी कि एक एक्स्ट्रा लाइफ। फिर मैंने ट्राई करा वो अजीब सा दूध, डेफिनेटली मेरे दिमाग में कोई वियर्ड से थॉट नहीं चल रहे थे। We have Namis, Robins, Zoro's milk.
पर शायद से जोरो का दूध, मेरा मतलब है कि ये दूध फट चुका था एंड इससे बड़े अजीब से इफेक्ट हो रहे थे। खैर तो उसके बाद मैंने काफी देर वही रिसोर्सेज ही कलेक्ट करा। ओ ये वाला दूध पीकर देखते हैं, ये वाला बढ़िया लग रहा है, क्या बता गई सुनाडे। वाह भाई ये वाले दूध में तो काफी शक्ति है, ये पक्का लगता है यहाँ पे सारा दूध नहीं फटा था, यहाँ पे एक दूध से मुझे काफी बढ़िया शक्ति मिल गई थी। ओ ये क्या है, गैस मास्क, इसकी तो क्या ही जरूरत, नियार ले लेता हूँ, कब क्या जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। और फिर मैं वहां से निकल गया, पर थोड़ा आगे चलते यहाँ पे प्लेन ने मुझे फिर से धोखा दे दिया एंड ये धोखा मुझे बहुत महंगा पड़ सकता था। जैसे तैसे मैं बच गया यार, तोती वैंकर। और इतने में यहाँ पे मुझे वो ट्रक फिर से मिल गया जो मुझे पहले मिला था एंड मेरे उड़न खटोला की तबीयत मुझे कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी, तो बैरेट डिसाइड करा कि अब मुझे लैंड से ही जाना होगा। बाकी ज़ॉम्बीज़ की हालत तो तुम लोग देख ही सकते हो, ये भी कभी नॉर्मल ह्यूमंस होंगे लेकिन अब ये सिर्फ एक जिंदा लाश ही रह चुकी थी। पता नहीं इनका क्या और होगा भी कि नहीं होगा, यही सोचते सोचते मुझे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुख हो रहा था। और फिर जल्दी से ट्रक लेकर और एक एपिक ज़ॉम्बी चेस के बाद मैं वहां से निकल गया, यस जिंदा। और फिर एयरपोर्ट से निकल के मैं एंटर हुआ मेन सिटी में, जिसकी हालत देखकर मन ऐसी उदास हो रहा था। मतलब यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो थी लेकिन वो भी बेजान लग रही थी। और एक बारी को तुम रेगिस्तान में सुई तक ढूंढ सकते हो लेकिन यहाँ पे एक जिंदा आत्मा को ढूंढना एकदम ही नामुमकिन लग रहा था। और ये मंजर शायद मेरी गाड़ी को भी पसंद नहीं आया एंड उसका भी रोना चालू हो गया, तो आगे का रास्ता मुझे फिर पैदल ही तय करना पड़ा। फिर वही बिल्डिंग में कूदते फांदते मुझे मिली एक इलेक्ट्रिकल वायर जिससे मैं ज़ॉम्बीज़ को करंट लगा सकता था, बेसिकली मुझे एक नया वेपन मिल गया। पर वेट, मैं अपने नए वेपन की टेस्टिंग कर ही रहा था कि इतने में मैं पहुंच गया एक अजीब से वेयर हाउस के पास, जहां पे जाना एकदम ही मना था, और जहां जाना मना हो वहां जाना तो बनता ही है एंड वहां जाना एक्चुअली वर्थ भी था, क्योंकि वहां पहले मुझे कुछ बुलेट्स मिली एंड उसके बाद मुझे मिली एक ऑटोमेटेड राइफल ऑग। तो अब मेरे पे यहाँ पे एक गन भी थी एंड इतने में यहाँ पे रात हो गई, तो अपनी नई गन की टेस्टिंग का टाइम भी बढ़िया हो गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर हुआ ट्रेन स्टेशन में, जहाँ बेसिकली मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय ज़ॉम्बीज के। और काफी देर फिर वहीं घूमने के बाद मुझे दिखा एक पार्क जो कि एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैं वहां चला गया एंड वहां मैंने कुछ देर मजे करे। लेकिन वो मुझे ज्यादा दिन नहीं रहे कि इतने में यहाँ पे चालू हो गया ब्लड मून। पर अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तैयार था ज़ॉम्बी से निपटने को। हीरो वाली फीलिंग आने लगी एंड एक बैक जंप मार के मेरा कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पे। लेकिन फिर मैंने अपना कॉन्फिडेंस तो खोया खोया, साथ ही साथ मैंने अपना टोटम भी खो दिया। अब यार दूती वैंकर किससे बोलता है इसे हीरो बनने के लिए। और ज़ॉम्बीज़ तो जैसे इस चीज का वेट ही कर रहे थे और उन्होंने मुझे लपेट लिया। बट लकीली और इसी के साथ मेरे 400 ज़ॉम्बी किल्स भी कंप्लीट हो गए। फिर ऐसे ही अजीब से टावर में घूमते घूमते और एक बच्चे, एक लिटरली स्कूल जाते बच्चे से मरते मरते मैं पहुंचा यहाँ के स्पेस हेडक्वार्टर में, जहाँ पे काफी खतरनाक खतरनाक और काफी अलग अलग सी चीजें रखी हुई थी। लेकिन फिर मुझे वहां मिला एक अजीब तरह का बैकपैक। अब वैसे तो वहां मैंने काफी टाइम स्पेंड करा लेकिन मुझे इतनी कुछ खास चीजें वहां मिली नहीं सिवाय एक पिस्टल के जो कि थी M19 एंड ऑब्वियसली काफी सारे ज़ॉम्बीज भी मिले। इवन वहां मुझे गब्बर का ज़ॉम्बी भी मिला, बेचारा यहां तक पहुंच गया था यार ये। लेकिन सबसे एपिक चीज मुझे वहां मिला एक एलाइट्रा एंड बस फिर और क्या चाहिए था, अब बस मैं पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त। हाँ ये कर लो पहले। और फिर उड़ते उड़ते यहाँ पे मुझे एक लाइट हाउस दिखा एंड मैं चला गया फिर उसको चेक करने। वैसे यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था वो लैब ढूंढने की या फिर कोई मैप वैप ही मिल जाए जिससे मुझे पता लगे कि आखिर मैं कहाँ भटक रहा हूँ। एंड इवन ये लाइट हाउस भी पूरा एम्प्टी था, लेकिन वहां से मुझे मिला एक खतरनाक सा ट्राइडेंट जिसे मैंने फेंका और वो वापस ही नहीं आया।
ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने लाइट हाउस को छोड़ा वैसे मेरा ट्राइडेंट वापस मेरे पास लौट के आ गया, और फिर उड़ते उड़ते मैं चला गया बैटल शिप में कि यहाँ मुझे शायद कुछ मिल जाए। वहाँ वैसे शिप में जाने से पहले यहाँ पे मैं एक छोटे से टाउन में भी रुका था जहाँ पे मेरे 500 किल्स कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ ज़ॉम्बीज अब यहाँ पे इतने इवॉल्व हो गए कि इन्होंने अब ग्रुप बनाना भी सीख लिया था। और फिर बैटल शिप में पहुंच के यहाँ पे मेरा स्वागत करा दुबई के शेख ने। भाई यार तुम लोग देख रहे हो 500 किल्स के बाद यार ज़ॉम्बीज़ तक भी प्रेस करने लग जाते हैं। और वैसे उस बैटलशिप से मुझे इतना कुछ खास मिला नहीं, लेकिन जिसकी मुझे जरूरत थी वो मुझे वहां से मिल गया था, एक मैप। यस, फाइनली मुझे इस सिटी का कंप्लीट मैप यहाँ पे मिल गया था, एंड यहाँ पे लैब वाला एरिया भी क्लियरली दिख रहा था, और लैब वाला एरिया यहाँ से एक्चुअली काफी पास भी था। और फिर थोड़ी देर शिप को एक्सप्लोर करने के बाद मैं उस एरिया की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक अजीब सा डैमेज पड़ रहा था जो कि पहले मुझे समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बैठ के सोचने के बाद मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पे न्यू क्यूज हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे रेडिएशन तो काफी खतरनाक वाला होगा, जिसकी वजह से मुझे डैमेज पड़ रहा था। अब मैं ये सोच ही रहा था कि यहाँ से अंदर मैं कैसे जाऊं कि अपने बैग में ढूंढते हुए यहाँ पे मुझे मिल गया गैस मास्क, एंड यस गैस मास्क यहाँ पे काफी काम आने वाला था। तो गैस मास्क पहन के मैं एकदम ही रेडी हो गया लैब वाले एरिया में जाने के लिए, और सिटी में घुसते ही सिटी का अंदाजा कोई भी लगा सकता था। हवा में एक खून की महक घूम रही थी और आसपास सारे के सारे ज़ॉम्बीज। यस, इस एरिया में तो और भी ज्यादा बुरी हालत थी। और फिर थोड़ा बहुत घूमने के बाद फाइनली मैं लैब वाले एरिया में पहुंच ही गया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने जितना भी सोचा था यहाँ के मेरी सारी उम्मीदें खत्म सी होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था। अब धीरे धीरे मेरा माइंड भी ब्लैंक होने लगा था, मैं हार नहीं मानना चाह रहा था लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर ऐसे मैंने आसपास के घरों में ही ढूंढना चालू कर दिया कि शायद मुझे कुछ तो मिले जिससे मुझे उम्मीद मिल सके। पर उम्मीद तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखा एक आर्मी आर्मर सेट, एंड फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पे पक्का प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिए होंगे, और अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिए तो मे बी प्रेसिडेंट के पास यहाँ के रिसर्च पेपर भी होंगे। तो मैं चला गया फिर प्रेसिडेंट का घर ढूंढने, जो कि था हार्ट मेंशन, एंड हार्ट मेंशन को ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं था। अब मैं प्रेसिडेंट के घर में तो घुस गया था, एंड काफी देर मैंने इधर उधर चेक भी करा, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स, काफी सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी देखे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, जैसे मानो यहाँ सब कुछ गायब सही कर दिया हो। पर एक चीज तो मुझे यहाँ पे पता लग गई थी कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उनको क्योर करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसमें शायद से काफी देर लग गई। और फिर कुछ और देर मैंने वहां चीजें ढूंढने की कोशिश करी, एंड जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन अदर रिसोर्सेज मुझे मिल गए। और फिर वहां से निकलने के बाद मैं पहुंचा एक आर्मी एरिया में, जो कि बहुत ही अजीब सी थी, एंड इसे एक्सप्लोर करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे काफी सारे छुपे हुए कमरे थे। पर वहां से मुझे एक बढ़िया चीज मिल गई थी, यस अनदर एक्स्ट्रा लाइफ। और बाकी सिर्फ ये जगह ही अजीब नहीं थी, यहाँ पे काफी अजीब अजीब सा सामान भी था, एंड इन्हीं में मुझे यहाँ पे मिला नाइट गॉगल्स, और इसके हल से अब मैं ज़ॉम्बीज़ को दीवार के आर पार भी देख सकता था। बेसिकली ये एक वॉल हैक था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पहुंचा आर्मी के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। यहाँ पे लिटरली ज़ॉम्बीज़ ने मुझे घेर लिया, और ज़ॉम्बीज़ की तादाद वहां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पर टोटम ने अपना काम बखूबी निभाया, और जैसे तैसे मैं वहां से बच ही गया। पर ज़ॉम्बीज़ का यहाँ इस तादाद में होना ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, तो एक और बार मैं चला गया वहां चेक करने, ऑब्वियसली ज़ॉम्बीज़ को मार के। ओ हाँ, यहाँ पे मुझे ये एक हैवी स्वॉर्ड भी मिली थी, जो कि नाम से पता चल रहा होगा काफी ज्यादा भारी थी, लेकिन वहां मुझे एक बहुत ही खतरनाक वाले राज की बात पता चली, एंड आई बेट कि यहाँ पे किसी को भी वो चीज पता नहीं होगी। क्या तुमको पता है पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है? हाँ ये कर लो पहले। नहीं, वहां मुझे कुछ भी नहीं मिला, ऊपर से टाइम फेस्ट अलग हो गया, हद होती भयंकर। पर असली खतरनाक जगह तो मुझे बाद में मिली, जो कि छुपी हुई थी इन पहाड़ों के पीछे, एंड मुझे भी एक्चुअली गलती से मिल गई। कार्ड स्कैन बिलो, इतना टाइम ना मत पा, दया दरवाजे की गार्ड। एंड वो जगह एक्चुअली काफी एडवांस थी, जिसमें इवन एक फुल्ली फंक्शन एलिवेटर सिस्टम भी था। अब पता नहीं कौन, लेकिन कोई तो यहाँ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, मे बी वो कोई अभी भी जिंदा हो। और यही सोच के मैं चला गया उस जगह को एक्सप्लोर करने, और थोड़ा घूमते यहाँ पे मैं पहुंचा एक बहुत ही अजीब से चैम्बर में, जहाँ पे मेरे सामने कुछ तो फ्लैश हो रहा था। प्रोजेक्ट विदर, अब ये कौन सी चीज हो सकती है यार? और यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो या तो किसी पोर्टल वोटल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या किसी दूसरी जगह को क्रिएट या फिर दूसरी डायमेंशन में जाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जा भी चुके थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कई ऐसी चीजें मिली जो कि इस दुनिया की लग भी नहीं रही थी। और तभी घूमते घूमते यहाँ पे मुझे दिख जाता एक अजीब सा स्ट्रक्चर, जो कि इनकम्प्लीट सा लग रहा था, एंड शायद मुझे पता था कि इसे कंप्लीट कैसे करना है।
और फिर मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। और इसी के साथ मेरे सामने एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई, जिसे देखते ही मैं समझ गया था कि ये किसी दूसरी दुनिया या फिर किसी दूसरी डायमेंशन में जाने का पोर्टल है। पर अब सवाल ये था कि क्या मुझे इसमें जाना चाहिए, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं मैं कहां पहुंचूंगा, वापस आ भी पाऊंगा, या फिर ये कोई डेड पिट तो नहीं है, ये कुछ भी हो सकता था। और या फिर ये सब कुछ इग्नोर करके मुझे आगे के दिनों के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। तुम लोग बताओ, तुम लोग को क्या लगता है, मुझे ये ब्लैक होल में कूदना चाहिए या फिर मुझे आगे के दिनों के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और हाँ, बाय द वे, हम लोग 100K के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो अगर तुम लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना।